एवरीवन, आज मैं आपके लिए एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये हिंदी में है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बनाने की विधियाँ। जब ज़ीनॉन तथा फ्लोरिन के मिश्रण को उच्च दाब पर मरकरी बाष्प लैम्प को बास्प लैम्प में एक्सपोज करते हैं तो प्रकाश रासायनिक संयोग से HCF2 बनता है। अब हम यहाँ देखेंगे इसकी रिएक्शन बहुत इजी है। Xe+F2 उच्च दाब पर हम गर्म करवाने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें HCF2। फिर यहाँ पे सेकंड देखेंगे HCF2 400 डिग्री सेल्सियस करवाने पर HCF2 हमें प्राप्त हो रहा है। फिर हम इसकी सबसे पहले देखेंगे गुण और प्रॉपर्टीज़। यह एक तीव्र गंध वाला रंगहीन ठोस है जिसका गलनांक 129 डिग्री सेल्सियस है। Xe2+H2Xe+2HF। थर्ड नंबर में देखेंगे 2Xe2+2H2O4HF, 2Xe+O2, Xe2+F2, Xe4। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये भी बहुत इजी है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो आपको इसको अच्छे से करके आना है। अब हम इसकी ज़ीनॉन की संरचना आकृति देखेंगे, ये भी बहुत ही इजी है, आप इसी वे में इसको आप बना के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। XeF2 में sp3d संकरण पाया जाता है, इसलिए इनकी संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी ट्राइगोनल बाय पिरामिडिकल होनी चाहिए थी, किंतु इसकी ज्यामिति रेखीय लीनियर होती है। जब XeF2 अणु बनता है तब उत्तेजित अवस्था में ज़ीनॉन के 5p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर रिक्त 5d में चला जाता है, जिससे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2 आइटम के पी ऑर्बिटल होकर और अतिव्यापन करके XeF2 अणु बनाते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।